दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है, जिस घर का वास्तु सही हो उस घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि जिस घर का वास्तु खराब हो उस घर में हमेशा ग्रह कलेश, धन की कमी, बार बार जीवन में परेशानी आती रहती है। आमतौर पर सूर्य को ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो घर सुख समृद्धि से भर जाता है। सूर्य को पंच तत्वों में से एक माना जाता है और इसका वास्तु शास्त्र से भी बहुत अधिक महत्व है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्राकृतिक बलों जैसे जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश के बीच परस्पर क्रिया होती है, जिसका व्यापक प्रभाव एक पृथ्वी पर रहने वाली मनुष्य जाति के अलावा अन्य प्राणियों पर पड़ता है। इन पांच तत्वों के बीच होने वाली परस्पर क्रिया को वास्तु के नाम से जाना जाता है। वास्तु ज्योतिष के अनुसार इस प्रक्रिया का प्रभाव हमारे कार्य प्रदर्शन, स्वभाव, भाग्य और जीवन के अन्य पहलुओं पर पड़ता है। ये माना जाता है कि वास्तु शास्त्र हमारे जीवन को बेहतर बनाने और कुछ गलत चीजों से हमारी रक्षा करने में मदद करता है। घर में सजने के लिए हम कांच से बनी वस्तुओं को घर लाते हैं, लेकिन यदि ये टूट जाए तो इसे घर में ना रखें, क्योंकि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है और सदस्यों के मानसिक तनाव का उन्हें सामना करना पड़ता है। घर में बर्तन जब पुराने हो जाएं या फिर कांच के बर्तन टूट जाते हैं तो ऐसे बर्तनों को घर में ना रखें, बल्कि इन्हें घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि यह अशुभ प्रभाव देते हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घर की घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के सदस्यों की उन्नति रुकेगी। ऐसे में काम समय से पूरा नहीं हो पाता है। यदि घर में तस्वीर टूट जाए तो इसे घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि तस्वीर जब टूट जाती है तो वास्तु दोष उत्पन्न करती है। दोस्तों, घर में एक छोटा सा मंदिर होता है, उसमें भगवान की मूर्तियां होती है। ऐसे में यदि आपके घर में कोई भी मूर्ति खंड तो उसे मंदिर में ना रखें, बल्कि नदी में प्रवाह कर दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ऐसा करने से आप वास्तु दोष से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।